गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, हम लोग फंडामेंटल का चैप्टर कर रहे हैं बेटा। उस फंडामेंटल के चैप्टर में कंटिन्यूशन के अंदर हम बेटा एक वीडियो और लेके आ रहे हैं बेटा। ये आपकी है वीडियो नंबर 12 आ रही है बेटा। वीडियो नंबर 12 है, आप सीक्वेंस आप फॉलो करते रहिए वीडियो के अंदर में। हम लोगों ने वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 4 में आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आपको फॉर्मेट समझाया था। तो वीडियो नंबर 4 के बाद अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कंटिन्यू करूं तो वीडियो नंबर 12 बनती है बेटा हमारे पास। यानी कि आप वीडियो 12 देखने से पहले एक बार वीडियो नंबर 4 जरूर देख लें, जिसके अंदर कि आप रिवाइज कर पाएंगे कि हम पार्टनर्स के अकाउंट को कैसे बनाते हैं। वहां हम लोगों ने एक सवाल किया था, 48 क्वेश्चन किया था, साजल और काजल वाला बेटा, साजल और काजल वाला सवाल किया था। अब उसी सीरीज के अंदर हम लोग बेटा एक क्वेश्चन और करेंगे। आपसे वादा किया था कि एक हम करंट अकाउंट के ऊपर भी एक क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर की फिक्स कैपिटल मेथड होगा बेटा। क्या मेथड होगा बेटा? फिक्स कैपिटल मेथड होगा, जिसमें फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर आपको दो अकाउंट आपको अलग अलग बनाने होते हैं बेटा। तो उसी सीरीज के अंदर बेटा यहाँ पे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन नंबर लेके आया हूँ, यहाँ पे 35। ये बेटा इलस्ट्रेशन है बेटा, दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, एग्जाम्पल मैं आपको 35 कर रहा हूँ। अभी तक आप सारे कॉन्सेप्ट से आप फेमिलर हो गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसके थ्रू हम सारे क्वेश्चन को इजिली कर पाएंगे। देखिए बेटा जरा 35 इलस्ट्रेशन है, और बेटा आपको पेज नंबर लिखवाना चाहूँगा मैं बेटा। इसका पेज नंबर है 2.48, जरूर आप ध्यान रख लीजिए, पेज नंबर 2.48 है। और ग्रेवाल साहब की बुक हमारे पास जो है उससे हम इस क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो हम आ रहे हैं पहले 35 क्वेश्चन पे आ रहे हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन है वो समझेंगे यहाँ पे। अप्रैल 2019 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहते हैं प्रीसियस, नोबल और परफेक्ट। इस क्वेश्चन के अंदर परफेक्ट क्वेश्चन है, सब कुछ मसाला आ जाता है। जिसने इस क्वेश्चन को कर लिया दो बार आप कर लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके थॉरो हो जाएंगे बेटा। तो प्रीसियस, नोबल और परफेक्ट पार्टनर है, एंटर इंटू द पार्टनरशिप विद द कैपिटल ऑफ, अंडरलाइन करने वाली बात है, 60,000, 50,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। उसके बाद परफेक्ट ने एडवांस दिया है 10,000 रुपये एज ए लोन टू द पार्टनरशिप फर्म, वो दिया अक्टूबर में दिया है, अक्टूबर 2019 में। द पार्टनरशिप It has the following clauses, यानी कि 10,000 रुपये का लोन दिया है, किसने दिया है? परफेक्ट ने दिया है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह नहीं दिवन होगा। तो इंटरेस्ट लोन कितना लेंगे हम लोग? 6% लेंगे बेटा। कितना लेंगे? 6% लेंगे। तो 10,000 का 6% लोन का इंटरेस्ट 600 बनता है, लेकिन उसको हम हाफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो लोन हमने अक्टूबर में लिया है तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे रखी है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर से कह रहा हूँ मैं आपको 6% दे रखी है। तो 6% निकालेंगे हम 60,000 का, 50,000 का और 30,000 का, 60,000 का, 50,000 का एंड 30,000 का। आगे चलेंगे बेटा, आपको यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है, कितना दे रखा है? 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। कितना परसेंट दिया हुआ है? 6% पर एनम दिया हुआ है। और हर एक पार्टनर कितना अमाउंट विड्रॉ करता है? 4,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फ्रॉम 30th June। ये भी हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वीडियोज में समझा था। अगर 4,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, इसका मतलब जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने मंथ्स का लगेगा बेटे? आपको पता होना चाहिए, आपको जो इंटरेस्ट लगेगा 4.5 मंथ्स का लगेगा। कितना लगेगा बेटा? 4.5 मंथ्स का लगेगा। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आगे चलते हैं, वर्किंग पार्टनर प्रीसियस एंड नोबल जो दो हैं, वो उनको सैलरी भी मिलती है। सैलरी कितनी कितनी मिलती है बेटा उनको? 200 एंड 300 पर मंथ की सैलरी मिलती है। तो उनकी एनुअल सैलरी भी निकल के आ जाएगी 2400 एंड 3600। कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने दे दिया। वैसे इंटरेस्ट लोन कितना है बेटा? 6% पर एनम है, वो आपको मालूम है, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। आगे चलते हैं, नोबल इज़ टू गेट अ रेंट ऑफ 2000 पर मंथ फॉर द यूज़ ऑफ बिजनेस ऑफ हिज बिजनेस बाय द फर्म। रेंट, नोबल को रेंट भी मिलेगा बेटा। यार नोबल ने शायद बिल्डिंग जो है अपनी फर्म को किराए पे दे रखी थी, जो उसको किराए पे जो दे रखी थी उसका रेंट भी मिलने वाला है। किसको मिलेगा रेंट? ये नोबल को मिलेगा। नोबल को कितना रेंट मिलेगा? 2000 पर मंथ रेंट मिलेगा, ठीक है। तो एनुअल रेंट 24,000 का हो जाएगा। इट इज़ पेड टू हिम बाय चेक, ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में उसको ये रेंट चेक से मिल जाता है। आगे चलेंगे, प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। थोड़ा प्रॉफिट बांटने का हमने भी ऐसे पहले ही क्वेश्चन किया हुआ है कि कह रहा है 70,000 का प्रॉफिट जो है 4:1 की रेशियो में डिवाइड करेंगे। उससे ऊपर अगर प्रॉफिट आ गया तो इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। वो डिपेंड करेगा हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है, उसके बाद ही हम इसको डिसाइड कर पाएंगे। चाहता क्या है? प्रॉफिट फॉर द फर्म कितना है बेटा 2020 के अंदर में? आपको 135 का आपको प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, 1,35,000 का। और आपसे चाहिए क्या? प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे, और कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इफ कैपिटल आर फिक्स्ड। अगर कैपिटल क्या है? फिक्स है, यहाँ पे याद कर लीजिए, फिक्स्ड है तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट भी बनेंगे और यहाँ करंट अकाउंट भी बनेंगे। एक भी क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह से नहीं किया है, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिसके अंदर कि हम लोग
प्रॉपर तरीके से उस क्वेश्चन को करेंगे, और उसके बाद हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग पास एडजस्टमेंट की वीडियोस बनाएंगे। तो बेटा यहाँ मैं आपके साथ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट यह बना रहा हूँ, उससे पहले मैं छोटा सा एक काम करूँगा वर्किंग नोट की फॉर्म में, बेटा यही कर लेता हूँ मैं, वह मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेता हूँ जो मुझे समझनी होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे हम लोग, तीनों पार्टनर ने सेम अमाउंट विड्रॉ किया है, आपने ध्यान दिया हो तो उन्होंने विड्रॉ किया है 4000 पर क्वार्टर किया है, 4000 इंटू 4 करेंगे इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे 6% दे रखा है यहाँ पे, और 4.5 अपॉन 12 कर देंगे क्योंकि 4.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ये आपको पहले भी कई बार समझाया गया है, क्योंकि ड्राइंग इज़ मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो हमारे पास जो एवरेज पीरियड निकल के आता है वो 4.5 मंथ्स का निकल के आता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हमने वीडियो बनाई हुई है वो वीडियो ज़रूर देखें आप, वीडियो नंबर 5, 6, 7 है, वो आप देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा बेटा 5, 6 एंड 7। तो हमारे पास जो अमाउंट निकल के आता है बेटा 360 आ जाएगा हर पार्टनर का, कितना आ जाएगा बेटा 360। अब मैं आगे चलता हूँ बेटा, 35 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीसियस नोबल परफेक्ट का। अब मैं यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ, इसके अंदर में मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने किए हैं वो यहाँ यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ मैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूँ, वो आपको पता है कि हम कैसे अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट को हम कंटिन्यू करेंगे, फॉर्मेट में आप लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं बेटा भाई P&L नेट प्रॉफिट लिखते हैं, नेट प्रॉफिट के अंदर हम कितना अमाउंट दे रखा है आपको, आप कहेंगे सर 1 लाख 35 तो नहीं दे रखा बेटा, यहाँ MRI करते थे, MRI का मतलब क्या होता है, मैनेजर कमीशन या रेंट या इंटरेस्ट ऑन लोन, M का मतलब मैनेजर कमीशन, R का मतलब रेंट पेड और I का मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, तो यहाँ पे आपको मैनेजर कमीशन नहीं दे रखा तो रहने देंगे, R का मतलब रेंट दे रखा था, आपने पढ़ा था ना रेंट, हाँ जी, जो क्लॉज नंबर 5 में दे रखा, तो कितना रेंट बन गया बेटा 24000 का यहाँ रेंट बन जाएगा आपका, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमने निकाला था 300, क्यों, क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट जो दिया गया था लोन के ऊपर, ये लोन आ गया वो 6 महीने के लिए दिया जा रहा है, तो ये हम लोग 24300 यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,10,700 रुपीज़ हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो प्रॉफिट है वो हमारा बच जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आएगा, वो प्रीसियस नोबल और परफेक्ट इनकी कैपिटल के बैलेंस आपको दे रखे थे, क्वेश्चन में आपने पढ़ ही लिए हैं, आपको ध्यान से दें तो कैपिटल के बैलेंस थे 60,000, 60,000, 50,000 और 30,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, तो अमाउंट निकल के आएंगे आपके बेटा, कैलकुलेट करिए 3600 आ जाएगा, 3000 आ जाएगा और 1800 आ जाएगा, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 8400 रुपीज़ का ही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा आप देखेंगे पार्टनर को सैलरी दी गई थी, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सैलरी दी जाएगी यहाँ पे, तो हम सैलरी लिख देंगे यहाँ पे, आपको P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट पता है, फॉर्मेट के हिसाब से आप चलते जाइए, उसी के हिसाब से आइटम दे रखा हूँ, अगर सैलरी है तो आप सैलरी को कंसिडर कर लेंगे। सैलरी कितनी दे रखी है बेटा, आप देखेंगे सैलरी यहाँ पे कितनी दी है बेटा 200 और 300 पर मंथ है, तो उनकी एनुअल सैलरी कितनी बनेगी, किसकी किस किस को सैलरी मिल रही है देखना पड़ेगा, नोबल और किसको मिल रही है, देखिए बेटा प्रीसियस और नोबल को मिल रही है, परफेक्ट को नहीं मिल रही है, प्रीसियस और नोबल को 2400 और 3600 कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका 6000 रुपये का अमाउंट आ जाएगा। इसके अलावा और क्या है, आई थिंक सो और कुछ नहीं है, एक चीज़ रह गई है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों का पार्टनर का बेटा सेम आ जाएगा, प्रीसियस का भी, नोबल का भी और परफेक्ट का भी, कितना कितना आ जाएगा बेटा वो 360 आ जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर कैलकुलेट भी किया है, तीनों पार्टनर का सेम था 1080। इतना करने के बाद इस अकाउंट को क्या करेंगे बेटा हम लोग, अब क्लोज करेंगे, क्लोज करके देखिए कितना आ गया 1,11,780 आ रही है साइड, इन दोनों चीज़ों को माइनस करिए तो प्रॉफिट आता है मेरे पास 97,380, कितना प्रॉफिट आता है बेटा मेरे पास 97,380 रुपीज़ का मेरे पास यहाँ प्रॉफिट आ जाता है, तो मैं लिखूँगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, तो यहाँ पार्टनर्स के नाम प्रीसियस नोबल और परफेक्ट पार्टनर हैं। अब ये प्रॉफिट को बांटने का तरीका उन्होंने बताया, उन्होंने हमसे कहा ये देखिए ये हमारा टोटल आया था 1,11,780 आया था, ये मैंने माइनस किया इन दोनों को, मेरा 93,780 आ गया, लेकिन मेरे को प्रॉफिट को डिवाइड करने का तरीका थोड़ा अलग दिया, उन्होंने कहा 70,000 तक का प्रॉफिट तो हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, कैपिटल की रेशियो में डिवाइड करेंगे और उसके बाद का प्रॉफिट हम इक्वल डिवाइड करेंगे, तो मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करना चाहूँगा यहाँ, कैलकुलेशन कैसे बनेगी देखिए, 70,000 का प्रॉफिट तो डिवाइड करेंगे वो 4:1 की रेशियो में, जो उनकी कैपिटल है वो उनकी क्या है कैपिटल है, तो कितना कितना आ जाएगा बेटा 40,000, 30,000 और 10,000 आ जाएगा, 40, 20 और 10 आएगा, सॉरी मैं रिपीट कर देता हूँ 40,000, 20,000 और 10,000। अब मेरा टोटल प्रॉफिट था 93,780, मेरा प्रॉफिट बच गया
23,780 का प्रॉफिट बच गया। इस प्रॉफिट को मुझे किस रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा? इक्वल डिवाइड करना पड़ेगा, 1:1:1 में डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो अमाउंट निकल के आएंगे वो फ्रैक्शन में आएगा। तो मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ, दो जगह 19127 और एक जगह मैं 9126 लिख दूंगा, ये मेरे प्रॉफिट आ जाएंगे। तो अब मैं देखता हूँ इनके जो टोटल प्रॉफिट के अमाउंट आएंगे वो कितने कितने आ जाएंगे। 49127 आ जाएगा, 29127 और ये 19126, ये मेरे किसके आ जाएंगे बेटा, प्रॉफिट्स के अमाउंट आ जाएंगे। और मैं क्या करूँगा बेटे, ये प्रॉफिट्स के अमाउंट को मैं पी एल प्रोविजन अकाउंट में दिखा दूंगा, वो कितने आएंगे बेटा। 49000 कितना है मेरा, 127 आया था मेरा। एक पार्टनर का कितना आया मेरा, 29127 आया मेरा। और तीसरे पार्टनर का मेरा कितना आया है, 19126 आ जाएगा। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो ध्यान रखिए बेटा यहाँ पे फिक्स्ड है, क्या है फिक्स्ड है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पहले बना लेता हूँ मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें पता है, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम उनके, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। पहला सवाल ऐसा कर रहे हैं जिसके अंदर में कैपिटल अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है वो दूसरा मेथड होता है, वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। हमेशा याद रखेंगे आप, यहाँ पे जो अकाउंट बनाएंगे बेटा वो कंबाइंड अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे परफेक्ट, क्या क्या नाम है बेटा, प्रीसियस नोबल और परफेक्ट। परफेक्ट के लिए हम पूरी स्पेलिंग लिख देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारे पास क्या है, प्रीसियस हैं, ये हमारे नोबल है, और ये हमारे क्या हैं, परफेक्ट है। ये पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, ये आपको मालूम ही है बेटे। यहाँ कुछ नहीं आएगा, केवल जो स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया है इन्होंने बिजनेस के अंदर में, केवल वो आ जाएगा हमारे पास। वो यहाँ पे क्या है, इन्होंने एंटर इन द पार्टनरशिप बेटे, जैसे नॉर्मली हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं ना, इस क्वेश्चन में काफ़ी बार हम पूछते हैं बाय बैलेंस की जगह हम बाय बैंक लिख रहे हैं। बाय बैंक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये बिजनेस ही इन्होंने अभी शुरू किया है, पुराना बैलेंस नहीं चला रहा, कोई बाबा आदम के ज़माने का बैलेंस नहीं है, ये दादाजी के टाइम का बैलेंस है, ये हमने खुद ने बिजनेस शुरू करा। तो यहाँ इसलिए हम बाय बैंक लिखा गया है। तो कितना आएगा, आगे से कैरी डाउन शुरू हो जाएगा, 60,000, 50,000 और 30,000। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन मेरा कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ मैं देखता हूँ तो मेरा जो बैलेंस है वो भी सेम ही आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आता तो बेटे दो चीज़ें क्या क्या आती, यहाँ भी आती, अगर मैं एडिशनल कैपिटल लगा रहा हूँ बेटे बिजनेस में, क्या लगा रहा हूँ बेटा, अगर मैं एडिशनल कैपिटल लगा रहा हूँ तो वो मेरे पास आती, लेकिन यहाँ एडिशनल कैपिटल भी नहीं है, नहीं विड्रॉल ऑफ परमानेंट कैपिटल है, विड्रॉल ऑफ परमानेंट कैपिटल। ड्रॉइंग्स हैं बिल्कुल, ड्रॉइंग्स और विड्रॉल ऑफ कैपिटल में फ़र्क होता है बेटा, इस तरह से हम कवर कर पाएंगे इसको। अब आ रहा हूँ बेटा मैं किसके ऊपर, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के ऊपर आ रहा हूँ मैं, फिर से रिपीट करता हूँ, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के ऊपर आ रहा हूँ मैं। पार्टनर्स का करंट अकाउंट कैसे बनेगा आप देखेंगे बेटे, ये तीनों पार्टनर हैं, बनाएंगे हम लोग, क्या क्या नाम है बेटा, क्या नाम है, नाम भूल जाता हूँ मैं, प्रीसियस नोबल और ये पूरा लिखेंगे हम क्या बेटा, परफेक्ट। ये क्या लिखेंगे बेटा, प्रीसियस नोबल और परफेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ करंट अकाउंट के बैलेंस आएंगे, लेकिन यहाँ हमें करंट अकाउंट की कोई बैलेंस नहीं दे रखे, ये बहुत आसान है आपके पी एन एल अप्रोविजन अकाउंट की, जो डेबिट साइड की आइटम दे रखी थी आपको, ये सारे वहाँ क्रेडिट साइड पे चली जाएंगी, आईओसी है, सैलरी है और जो आपके प्रॉफिट्स हैं। और वहाँ से आप देखेंगे जो ये आइटम दे रखे थे आपके, जो आईओडी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, साथ में ड्रॉइंग भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ बेटा, केवल क्रॉस ट्रांसफ़र करना होता है, लेकिन यहाँ करंट अकाउंट में करते हैं। फिर से बता रहा हूँ, करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय आईओसी आएगा बेटा हमारे पास, तो यहाँ लिखेंगे बाय आईओसी, कितना कितना अमाउंट आएगा आईओसी का, वहाँ से हमने देखा था 3600 आ गया बेटा, 3000 आ गया और यहाँ 1800 आ गया। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ हम लिखेंगे बाय सैलरी, सैलरी जिस जिस पार्टनर को मिली है उसी को लिखेंगे हम लोग, तो प्रीसियस और नोबल को मिली थी 3600, ठीक है जी, ख़त्म हुई कहानी। यहाँ पे बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, अगर आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपको दिया हुआ था कितना कितना दिया, नहीं हुआ था आपने कैलकुलेट करा था बहुत मेहनत करके, 49,127, 29,127 और 19,126 का आपका प्रॉफिट था। उसके अलावा यहाँ चलते हैं बेटे, यहाँ आपके पास क्या आया था, एक तो आईओडी आया था, आईओडी की फुल फॉर्म क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तीनों पार्टनर का सेम आया था आपको, आएगा 360, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, टू ड्राइंग आपने ध्यान दिया हो तो, 4000 क्वार्टरली ड्राइंग करी थी तो उनकी एनुअल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, तीनों की सेम है, 16,000 रुपये की हो जाएगी। अब मैं बैलेंस निकालना चाहता हूँ, ये मेरा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा मेरा, जो मेरा बैलेंस कैरी डाउन है वो कितना आएगा देखते हैं, पहले मैं टोटल कर लेता हूँ, ये आ गया 55,127,
55,127, इनमें से इनको माइनस करूँगा तो आ जाएगा ये 38,767 आ जाएगा। इनका भी टोटल किया मैंने, ये जो टोटल आता है मेरे पास आता है बेटा 35,727, और जो डिफरेंस आया बेटा आगे 19,367 आ गया, और मैं तीसरा जो आ रहा है वो 20,926 में से इनको माइनस करूँगा तो आ जाएगा मेरा 4,566 आ जाएगा। ये मेरे पार्टनर्स के कैपिटल के करंट अकाउंट के बैलेंस आ गए, और ये मेरे कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है। अगर मान लो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता तो बस कुछ नहीं करते, इन दोनों अकाउंटों को यहाँ मर्ज कर देते। मर्ज करने का मतलब यहाँ यहाँ से करंट अकाउंट वर्ड हट जाता, दोनों अकाउंट एक साथ हो जाते, यहाँ बाय बैंक आ जाता और ये सारी चीज़ें मिल जाती, इनकी सारी चीज़ें क्रेडिट साइड पे आती, ये सारी चीज़ें आपकी डेबिट साइड पे आती, और आपके बैलेंस जो हैं वो 60,000, 50,000 और 30,000 से बढ़ जाते, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ वो मिक्स हो जाते और बैलेंस आपका आ जाता है यहाँ, जैसे 98,767 आ जाता, यहाँ 69,367 आ जाता, और यहाँ पे आ जाता 34,566 आ जाता। इस तरीके से हम कर पाएंगे बेटा। और तो ये आज हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट भी कवर हो गया, थोड़ा हम लोगों ने फास्ट किया बेटा इसको, उसका रीज़न ये था क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पास एडजस्टमेंट का होगा, पास एडजस्टमेंट लेके आएंगे। उसके पहले भी हम लोग आपको दो वीडियो बना के भेज रखी हैं, उन दो वीडियोज़ को भी आप बेटा ज़रूर से ज़रूर देखें बेटा। थैंक यू बेटा।